कोरोना के कारण पिछले 4 महीने से बंद पड़ी माता वैष्णो देवी की यात्रा को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद आज खोल दिया गया। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सर सतीश कुमार। सतीश जी, आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, कितना उत्साह है क्योंकि पिछले करीब 4 महीने से यात्रा बंद पड़ी थी? सर काफ़ी उत्साह सर, हम तो हर 2 महीने से आते हैं सर हरियाणा से दर्शन करने के लिए सर, काफ़ी खुशी है सर आज आए हैं तो। जिस तरह से यात्रा बंद पड़ी थी, मायूसी थी सर, खुशी है अब। अब खुशी है? हाँ सर। तो आप सुन सकते हैं श्रद्धालुओं का, इनका कहना है कि इनको खुशी है, कुछ और श्रद्धालु हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? सर अनिल गुज्जर। अनिल जी, आप कहाँ से हैं? मैं सर हरियाणा से। जिस प्रकार माता वैष्णो देवी की यात्रा पिछले 4 महीने से बंद थी कोरोना के चलते जी, आज यात्रा शुरू हुई है, माता रानी से क्या दुआ मांगते हैं आप? सर दुआ में तो माता रानी ने सब कुछ दिया है, लेकिन खुशी इस बात की हो रही कि ये जो महामारी चली हुई है देश में, इसका जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और कोई ना कोई वैक्सीन आ जाए जिससे माता रानी के सभी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है सर। तो भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और आप कुछ और भक्त हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से माता वैष्णो देवी की यात्रा आज से शुरू हुई है, करीब 4 महीने यात्रा बंद रही थी, आज से फिर से शुरू हुई है, तो कितना मन में उत्साह है और क्या मन्नत मांगते हैं माता रानी से? बहुत उत्साह है, माता रानी से मन्नत मांगते हैं कि ये जो महामारी आई है जल्दी से जल्दी इसको निदान मिले, और माता रानी हमारे पूरे परिवार को सुख समृद्धि दे, सुख शांति दे, सब हम स्वस्थ रहे, सुख शांति। माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने से भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन भक्तों को प्रशासन और श्राइन बोर्ड के SOP का पालन करना जरूरी होगा। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, JK News Today, कटरा।